वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जेक्लोन जॉब। सब्सक्राइब कीजिए जेक्लोन जॉब चैनल को और पाते रहिए नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले राजस्थान बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2020। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 2020 में राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब भरेंगे, यही आपका सवाल था। ठीक है, ताक नहीं था, यही था। ठीक है, तो वही हम जानने वाले हैं कि कब भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इच्छुक है बीएस नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेने के लिए। अब इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, यही हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर एडमिशन और कॉन्ट्रैक्टर्स और एग्जामिनेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट टीचर्स, तो इसमें से आपको कोई चीज़ नहीं करना है, एडमिशन में जाना है। ठीक है, किस में एडमिशन आपको लेना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है मेडिकल डेंटल नर्सिंग फार्मेसी पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी बीपीटी, इतने सारे कोर्सेज ये आरएचएस करवाती है। जो भी कोर्सेज आप करना चाहते हो इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो। मेडिकल के अंदर आता है एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, जो ये डॉक्टर कोर्सेज है। ठीक है, डेंटल में आपको पता है कि बीडीएस आता है, जिसको नीट के थ्रू एडमिशन लिया जाता है। उसके बाद आती है नर्सिंग, नर्सिंग में एडमिशन लिया जाता है, इसके लिए एग्ज़ाम होता है, उसका नाम है बीएससी नर्सिंग इंट्रांस एग्ज़ाम। ठीक है, इंट्रांस एग्ज़ाम आपको देना होता है, प्रत्येक ईयर्स ये आयोजित करवाती है आरयूएचएस। ठीक है, कौन करवाती है, ये यूनिवर्सिटी हर साल आयोजित करवाती है। और उसके फॉर्म भरते हैं, पहले फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक है तो इस चैनल पर बने रह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म के बारे में हम जानेंगे, यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई हुई है या नहीं अभी देख लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो पीस रिफंड की दी हुई है, आरएचएस एमएससी दी हुई है, ई लर्निंग जो अभी कोविड-19 चल रहा है इसके कारण ई लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस चला हुई है। ठीक है, सो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आवाज़ थोड़ी डाउन चली गई थी, इधर थोड़ा मैं माइक से दूर हो गया था। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, लेटेस्ट देख लेते हैं हम, टेंडर्स पर देख लेते हैं, वैकेंसीज भी देख लेते हैं, इवेंट भी देख लेते हैं। कोई यहाँ पर दी हुई नहीं है, बट यहाँ पर समझने के लिए हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका सवाल था कि 2020 में कब भरे जाएंगे। सो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, फॉर्म जो भरे जाएंगे इसके बीएस नर्सिंग के, वो इसी मंथ में भरे जाते थे पहले, तो पहले का मतलब है 2018। ठीक, पहले तो यहाँ तो भरे जाते थे, 2019 में क्या हुआ, सितंबर में भरना स्टार्ट हो गए, और पहले भरते थे जून में। ठीक, ये इतना डिफरेंस क्यों हुआ, ये डिफरेंस इसलिए हुआ, मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, ये डिफरेंस इसलिए हुआ कि पहले जून में भरते थे, बट काउंसलिंग स्टार्ट होती थी हमारे अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर में, बीच में आराम करो स्टूडेंट। अब क्या होता है, सितंबर में फॉर्म भरते हैं, अगले महीने काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो काउंसलिंग का गैप ख़त्म कर दिया गया है। ठीक, काउंसलिंग अब डायरेक्ट एक महीने बाद स्टार्ट हो जाती है। पहले क्या होता था, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीन महीने का गैप होता था, वो तीन महीने का गैप ख़त्म कर दिया है। सो अब आपका सवाल यही है कि फॉर्म कब आएंगे, तो आपको जवाब मिल गया कि सितंबर में आएंगे। ठीक, संभावना है कोविड-19 के कारण लेट ही आएंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, अभी एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग के जो कॉलेज के एग्ज़ाम है वो भी नहीं हो पा रहे हैं अभी, तो जो मेन एग्ज़ाम है वो भी अभी पेंडिंग में चल रहे हुए, कुछ उनकी कुछ खबर ही नहीं है, रिजल्ट भी अभी नहीं आए हुए, हालत ख़राब हो रही है, क्या बताऊँ स्टूडेंट मैं आपको, किसी के भी अभी तो क्या है, जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उनके भी मार्कशीटें पेंडिंग में पड़ी हुई है, किसी के पास पहुंची नहीं है, सब कुछ तहस नहस कर दिया कोविड-19 ने। सो आई होप सब अच्छा हो जाएगा और इसके फॉर्म भी आ जाएंगे सितंबर में, सितंबर याद रख लेना आप, तो सितंबर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको जेक्लोन जॉब चैनल पर मिल जाएगी, डोंट वरी, फिक्र बिल्कुल भी ना करें। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट से मैं बहुत मतलब फ्रेंडली रहता हूँ। ठीक है, तो सितंबर में आ जाएंगे, सितंबर में फॉर्म भर जाएंगे आपके, और इसलिए आपकी उम्र 18 होनी चाहिए, 18 ईयर्स, कम होगी तो नहीं चलेगा, 17 तक भी चल जाएगा, इससे कम होगी तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा मैच करवा लेना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो। हाँ, एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिजिक्स
केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके पास हुआ होना चाहिए। आर्ट्स वाले इसको नहीं कर सकते, ओनली साइंस के स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर हम आर्ट्स वाले भी क्या बीएस नर्सिंग कर सकते हैं। आर्ट्स वाले बीएस नर्सिंग नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, न्यूज़ में पढ़ लिया होगा उन्होंने, इसलिए बोल रहे होंगे। बट अभी जो मैंने हर बार बताता रहता हूँ, हमारे जो इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग है वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आई है कि आर्ट्स वाले कर सके। INC ये करवाती है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, फिर कर सकते हैं। बट यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है, यानी कि वो ओनली न्यूज़पेपर में आई थी जिसकी बात स्टूडेंट कर रहे थे। ठीक है, राजस्थान से अगर बीएस नर्सिंग करते हो, इसको बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए RUHS का एग्ज़ाम देना होता है, RUHS बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, इसके फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भर देना और इसका एग्ज़ाम दे देना, रिजल्ट आ जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। बट ऐसे नहीं हो जाएगा एडमिशन, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं कि नहीं, अच्छे नंबर मतलब कितने नंबर लाने हैं, ये पूछते हैं स्टूडेंट के कितने नंबर लाने हैं हमको, तो मैं आपको बता दूं, ये 100 नंबर का पेपर होता है आपका, कितने नंबर का, 100 नंबर का। तो 100 नंबर में से आपको कितने नंबर लाने हैं, अगर आप जनरल वाले हो, ठीक है, जनरल वाले को मिनिमम चाहिए एडमिशन के लिए 55। अगर आप 100 में से 55 नंबर लाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, अगर आप OBC से हो, OBC से, तो आपका 50% 50 नंबर लेके आ जाओ, आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, अगर आप ST SC से, रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आपको नंबर लाने होंगे पूरे 40, यानी कि 40% पे आपका हो जाएगा। ठीक है, ये मेल की बात की, अगर आप फीमेल है तो बहुत ही छूट है आपके लिए, फीमेल के लिए बहुत ही छूट आती है। अगर आप जनरल फीमेल के लिए हो जाता है मिनिमम, जहाँ पर उनका पुरुष का हो रहा था 55 पर, तो इनका 50 पे हो जाता है। OBC की फीमेल की बात करें तो इनका हो जाता है, हमारे तसली के लिए बता रहा हूँ, इच्छुक होती है, आपके अंदर जिज्ञासा जो होती है, इनका हो जाता है ऑलमोस्ट 5% इससे कम जाता है मेल का, जैसे कि हमने माना था कि OBC में 50 पे हो जाता है। बट यहाँ पर अगर आप फीमेल है, OBC की फीमेल है, तो यहाँ पर आपका 50 से भी कम, यानी कि 45 पर भी हो जाएगा। अब अनुमान आप लगा सकते हो, ST SC वाले का पुरुष का हो रहा था 40 पे, तो इनका 35 पर भी हो जाएगा। डिपेंड करता है ये पेपर की सिचुएशन पर, अगर पेपर हार्ड रहा, हार्ड टप, जिसका आप नाम लेते रहते हो कि टप है, पेपर टप है, हार्ड है, अगर पेपर टप रहा तो फिर कट ऑफ ज़्यादा जाती है, सॉरी, अगर पेपर हार्ड रहा तो कट ऑफ कम जाती है, अगर पेपर इजी रहा तो सिंपल सी बात है, इजी रहेगा तो सारे कर देंगे तो फिर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, सिंपल सी, बस खुद समझ सकते हो इस बात को आप। सो यही है, जब भी फॉर्म आएंगे 2020 में आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते।
Yeah.